नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे कि KFT के अंदर कौन कौन से टेस्ट क्या क्या बताते हैं और क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है और हमें उससे क्या पता चलता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बात करेंगे इसी बारे में क्रिएटिनिन पर। क्रिएटिनिन जो होता है वो KFT में क्या बताता है, यूरिया क्या बताता है, पोटेशियम क्या बताता है, सोडियम क्या बताता है, क्लोराइड क्या बताता है, फॉस्फेट क्या बताता है, यूरिक एसिड में क्या पता चलता है, बायकार्बोनेट्स का क्या रोल है टेस्ट के अंदर और साथ साथ यूरिन टेस्ट। बात करेंगे इसी सभी 9 पॉइंट्स पे इस वीडियो में। देखिए, जब किडनी जब कम काम कर रही होती है तो बॉडी में बहुत सारे वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण होते हैं क्रिएटिनिन और यूरिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों ही मेन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और अन्य वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में इकट्ठे होते हैं। लेकिन हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, यानी कि जो पैरामीटर्स है हमारे पास वो नापने के लिए, हमारे पास यही दो मेन होते हैं, क्रिएटिनिन और यूरिया। तो जब क्रिएटिनिन बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी जो है वो आपकी कम काम करने लग जाती है। अगर किसी की किडनी 20% काम नहीं कर रही तो 20% क्रिएटिनिन बढ़ा, लेकिन अगले हो सकता है नेक्स्ट 30% उसका क्रिएटिनिन बढ़ जाए ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है बात करेंगे। FFP एक्सटर्नल फैक्टर्स तीन होते हैं जो मेजर होते हैं क्रिएटिनिन को बढ़ाने वाले, जो ये बताते हैं कि इनका मतलब ये नहीं कि हमारा जो है किडनी खराब हो रही है। FFP से मतलब है, यहाँ पे सबसे पहला जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो होता है हमारा फीवर। अगर फीवर हुआ या कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, कफ है, कोल्ड है, किसी भी तरीके का है, तो इसके अंदर मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से क्रिएटिनिन जो है वो मसल से ज्यादा निकलता है और प्रोडक्शन बढ़ जाती है क्रिएटिनिन की, और ब्लड में जो है वो क्रिएटिनिन ज्यादा दिखाई देता है जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट स्टेप से आता है हमारे पास फेटीग। फेटीग मतलब थकावट। किसी ने रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग कर ली या 5 किलोमीटर रन कर लिया, किसी भी तरीके की इस तरह की बहुत ज्यादा विग्रेस फिजिकल एक्सरसाइजेस कर ली, तो उस केसेस में भी देखा जाता है कि हमारी मसल्स जो है वो क्रिएटिनिन ज्यादा निकालती है, ज्यादा प्रोड्यूस करती है और ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। और पी से आता है FFP में, पी से प्रोटीन। अगर प्रोटीन का इंटेक हमारा ज्यादा हो गया तो उस केस में भी क्रिएटिनिन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो क्रिएटिनिन को बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किडनी जो है वो कम काम कर रही है, क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ता है कि किडनी कम काम करती है। सपोज किसी का क्रिएटिनिन 2 है, इसका मतलब ये क्रिएटिनिन जो है उसकी किडनी जो है 50% काम नहीं कर रही है। जब वो क्रिएटिनिन 3 तक जाता है लगभग 60-70% किडनी डैमेज हो जाती है, लेकिन 3 के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके पीछे भी बहुत सारे अन्य रीजंस हैं, लेकिन हम ये एक्सटर्नल फैक्टर से मैक्सिमम अपने आप को बचा सकते हैं और हमें इसको बचा के रखना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए इनका। देखिए, यूरिया, नेक्स्ट इज यूरिया। यूरिया क्या होता है, यूरिया जो है वो लिवर बनाता है। कुछ भी खाते हैं अगर हम तो हमारा ब्रेकडाउन होता है बॉडी में और क्रिएटिनिन यूरिया के फॉर्म में वो बनता है। यूरिया के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत कम असर करते हैं, बहुत कम उनका रोल होता है, लेकिन फिर भी दो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो हमें देखने चाहिए इसमें। AM यानी कि A से जो आएगा एंटीबायोटिक्स, अगर बहुत ज्यादा ले ली तो यूरिया बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। M से जो आता है लिवर स्टिमुलेंट मेडिसिन, यानी कि सिमिलर एंटीबायोटिक और मेडिसिन का अगर किसी ने बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया तो वहां में यूरिया बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। हम 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे क्या होता है और हमें क्या उसे निष्कर्ष निकालना है क्रिएटिनिन और यूरिया का। क्रिएटिनिन बड़ा, यूरिया बड़ा, दैट मींस किडनी आपकी कम काम कर रही है। क्रिएटिनिन बड़ा, यूरिया सेम है, दैट मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स का इसमें रोल है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स से बचा जा सकता है। यूरिया आपका नहीं सेम चल रहा है, यानी कि किडनी पे इफेक्ट नहीं आया ज्यादा। क्रिएटिनिन कम हुआ, यूरिया कम हुआ, दैट मींस आपकी किडनी जो है वो वेस्ट को ज्यादा निकाल रही है, किडनी का फंक्शन इंप्रूव हुआ है। तो दोनों चीजों की इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ क्रिएटिनिन के बेसिस पे हम किडनी के फंक्शन को जज नहीं कर सकते, यूरिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल है। अब बात करेंगे उस पैरामीटर की जो 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 क्रिएटिनिन से 1000 गुना ज्यादा डेंजरस है। जी सही सुना आपने, क्रिएटिनिन से 1000 ज्यादा गुना डेंजरस है, और वो आता है KFT रिपोर्ट के अंदर, उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये बड़ा डेंजरस होता है। अगर क्रिएटिनिन जो है वो 2 है और पोटेशियम जो है वो 8 है या 7 है, तो मतलब आपके लिए जो है डायलिसिस की जरूरत है। डायलिसिस की जरूरत है, क्रिएटिनिन 2 है लेकिन डायलिसिस कराना पड़ेगा अगर पोटेशियम कंट्रोल नहीं है। पोटेशियम जो है ये बहुत डेंजरस है। पोटेशियम नॉर्मल होता है तो मसल्स की जो मूवमेंट है वो बड़ी नॉर्मल रहती है, वो उसको हैम्पर नहीं करती, लेकिन जैसे ही पोटेशियम नॉर्मल, मसल मूवमेंट नॉर्मल, पोटेशियम बढ़ा तो मसल्स में थकावट आती है, मसल्स में फेटीक होता है। फेटीक होने की वजह से हार्ट की जो मसल्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती, जिस वजह से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पोटेशियम जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन खुशखबरी क्या है, खुशखबरी ये है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है, मेडिसिन और डाइट से इसे कंट्रोल करना संभव है।
अब बात करेंगे नेक्स्ट थ्री पैरामीटर्स की, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड और फॉस्फेट। ये जो होते हैं, जब कॉम्प्लिकेशन जो होती है हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ये बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। ये कॉम्प्लिकेशन का बताते हैं कि बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशन चल रही है। यूरिक एसिड जो होता है, आपने सुना होगा यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ना मतलब किडनी जो है वो कम काम कर रही है, एक इंडिकेशन ये होता है यूरिक एसिड बढ़ने के। और तो बहुत सारे अन्य रीजंस भी होते हैं, बॉडी के अंदर जब किडनी की फंक्शन इंप्रूव होगी तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है तो 2 के आसपास क्रिएटिनिन है तो वो बड़ा धीरे बढ़ता है, 1 से 2 50% किडनी डैमेज होने तक बढ़ता है, उसके बाद 2 से 3 जब वो बढ़ता है तो ग्रेजुअली इंक्रीज जल्दी जल्दी करना शुरू करता है, और 3 से 4 और जल्दी 4 से 5 और जल्दी शुरू करता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, एक रीजन ये है कि बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक होने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाता है। देखिए क्या होता है, जब हमारी बॉडी जो है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो बॉडी में सेल्स में से एसिड निकलता है, जनरली ये जो एसिड होता है ये किडनी जो है फिल्टर करती चली जाती है, फिल्टर करती रहती है और साथ साथ हमारी बॉडी से एसिड बाहर निकलता चला जाता है। लेकिन जब किडनी कम काम कर रही होती है तो ये एसिड जो हमारे सेल्स बना रहे हैं, जो हमारी सेल्स बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, वो बॉडी में एसिड तो इकट्ठा हो ही रहा है, साथ साथ उसके क्या होता है क्रिएटिनिन और यूरिया भी बढ़ रहा होता है, जिस वजह से किडनी को डबल दोहरी मार पड़ती है, दोहरी मार पड़ने की वजह से बॉडी जो है ब्लड जो है हमारा एसिडिक होता चला जाता है, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। और इसी को काउंटर करने के लिए नोडोसिस और सोबोसिस जैसी मेडिसिन चलती हैं, जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, वही बाइकार्बोनेट जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि बाइकार्बोनेट का टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि ये KFT में नहीं आता, KFT की कमी है, KFT में सोडियम सिर्फ बाइकार्बोनेट का टेस्ट नहीं हो पाता। बाइकार्बोनेट ना पता चलने की वजह से हमें यह नहीं पता चल पाता कि बॉडी जो है वो कितनी एसिडिक है, बाइकार्बोनेट का वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे को बेकिंग सोडियम में, सोडा में भी मिलता है, मैंने उसके बारे में पिछले वीडियो में भी चर्चा करी थी कि किस प्रकार से हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको पीएच को अपनी बॉडी में बना के रख सकते हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन से बचना संभव है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये सारे टेस्ट के अलावा हमें जो महत्वपूर्ण टेस्ट कराना होता है वो होता है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। यूरिन रूटीन में क्या होता है, हमें पता चलता है कि प्रोटीन कितना वॉश आउट हो रहा है, क्योंकि क्रिएटिनिन और यूरिया यानी KFT में पैरामीटर में चेंजेस आने से पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोटीन का आना, यूरिन से प्रोटीन का वॉश आउट होना। तो ये यूरिन का अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि यूरिन से प्रोटीन आ रहा है, तो हम इसी को यहां से ही रेक्टिफाई करने में संभव हो जाएंगे, क्योंकि किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग आने की वजह से उनके जो छेद होते हैं वो छेद बड़े हो जाते हैं साइज में, बड़े होने की वजह से किडनी का काम है प्रोटीन को रोकना, वेस्ट को बाहर कर रहा, यहाँ पे किडनी वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर रही होती है, जो कि प्राइमरी हमें बताता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहा जाता है, प्रोटीन और यूरिया भी कहा जाता है। अगर यहीं से बीमारी का पता चल जाए तो बहुत अच्छी और बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, प्रोटीन आ रहा है रोका जा सकता है, प्रोटीन अगर कम हो गया दैट मीन्स किडनी का फंक्शन इंप्रूव होना शुरू हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये भी। अब मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगा जिसका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा अधिक बढ़ा हुआ था, और आप देखेंगे उसको किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई, किस प्रकार से चेंजेस आए। भयंकर बीमारी को मात दे दी आज कमर जाने, डायलिसिस को मात दे दी कमर जाने, और आज जो है डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ चुकी है। क्या संदेश देना चाहोगे किडनी के मरीजों को, पूरे विश्व में, पूरे जहां में बहुत सारे मरीज हैं किडनी के? ये तो मैं सारे अपने इलाके में सबको बता दूंगा, क्या आप वहां देख रहे हैं? तो बुलंदशहर में डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था आपको, बिल्कुल मेरठ ले गया था मैं, मेरठ में भी मना कर दिया था कि डायलिसिस के बाद कोई कुछ नहीं है, डायलिसिस होगी, मगर मैंने डायलिसिस वहां भी नहीं कराया। और मैं ग्वालियर ले गया था, अरे MP भी चले गए थे, MP भी चला गया था मैं, वही पेशेंट को लेकर वहाँ दिखाया, उन्होंने भी मैं उनके भी थोड़े बहुत दिन दवाई चली, मगर उस सभी को फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ तो आपकी दवाई से फर्क हुआ, अब तो बिल्कुल ठीक होने वाली है, ठीक हो गई है बिल्कुल, 2 तक आ गया क्रिएटिनिन, 8 से 2 तक आ चुका है ऑलरेडी, और बहुत अच्छे चेंजेस भी नजर आए हैं। तो हिम्मत है तो नीचे दिए हुए नंबर्स और साथ साथ आपके हिम्मत है और डायरेक्शन है, 2 चीजों की आवश्यकता है आपको ये इस गंभीर बीमारी को मात देने के लिए। हिम्मत आपसे आएगी और जब आप यहां पर आएंगे तो हम भी आपको उसमें देने में मदद करेंगे, साथ साथ डायरेक्शन भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपने किस प्रकार से क्या क्या फॉलो करना है, कमर जहां की तरह आप भी इसी प्रकार से क्रिएटिनिन कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, किडनी के फंक्शन को बढ़ा सकते हैं, लग के फॉलो करना जरूरी है, और इनको रिजल्ट आप देख रहे हैं किस प्रकार से आए हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस।
तो आपने देखा कि कर्मा आयुर्वेदा में आए पेशेंट को किस प्रकार से आराम मिला है, किस प्रकार से उनको रिलीफ मिला है। तो हमारे यहाँ पे मेडिसिन, डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, साथ साथ नॉलेज भी दी जाती है ताकि पेशेंट जो है उसको पता रहे उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। इस प्रकार की वीडियो आपको किस प्रकार से अच्छी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए किडनी से रिलेटेड और किस बारे में आपको नॉलेज चाहिए। धन्यवाद। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 09871712050, 01124644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।